सर सबसे पहले कंग्रेचुलेशन सर आपके नए सॉन्ग के लिए. थैंक यू वेरी मच. 6 लाख प्यार हैं सब, बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे. और मेरे को इंस्टाग्राम पे इतने मैसेज आ रहे हैं, कब आ रहा है, कब आ रहा है, कब आ रहा है. आज सुबह तो इतने मैसेज आए, कितने बजे रिलीज़ हो रहा है, ऐसे लग रहा था कि लोग यूट्यूब खोल के मेरे सॉन्ग का ही वेट कर रहे हैं. और अगर हम बात करें सॉन्ग की, तो सॉन्ग की पूरी कुछ आप बताइए, कैसे शुरुआत हुई, आपने कैसा किया ये किसी से. ये मिनरल वाटर तो सभी जानते हैं कि मिनरल वाटर क्या है, एक पानी है. तो नहीं, मैं हूँ, तू है मिनरल वाटर, मैं हूँ सस्ता पानिया. तो मैं किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था और वो बार बार में मिनरल वाटर की लाइक ना, हम तो टैप वाटर नहीं पीते हैं, मिनरल वाटर पीते हैं ये वो. तो बोला ओके, आप तो मिनरल वाटर है, हम ही सस्ता पानी है, हम तो नल का पानी भी पी लेंगे. तो मैं बोला यार ये तो गाना, वो लाइन बन गई. तो मैंने लिख लिया, क्योंकि जो हुक होता है कि हुक ही गाने की जान होती है. जी जी जी. नहीं, सब अपनी जगह अच्छे हैं. सब नहीं, कॉम्पिटिशन नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है. मैं बहुत छोटा हूँ और मैं किसी से कॉम्पिटिशन करने मार्केट में नहीं आया हूँ. कि बस मैं अपना जो मैं कर सकता हूँ, मैं अपना टैलेंट दिखाने आया हूँ. मैं किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करता. सब अपने जगह बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मुझसे ज़्यादा बहुत लोग हैं, बहुत ज़्यादा. आपकी केमिस्ट्री भी काफ़ी अच्छी लग रही है सॉन्ग पे, कैसा रहा एक्सपीरियंस करते हुए आपको? बहुत अच्छा लगा क्रिसेन के साथ में शूट करके, एंड शी इज़ वेरी टैलेंटेड. और उनके साथ काम करके इतना मज़ा आया, लगता है कि दूसरा गाना भी मैं उनके साथ जल्दी करूँगा. जी जी. मीडिया बस उनका प्यार है, उनके लिए और भी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाना चाहता हूँ, जैसे मिनरल वाटर बनाया है मैंने. बस मिनरल वाटर बस होप है कि गाना बहुत लोगों को अच्छा लगे, सब लोगों को, और फिर मैं जल्दी से दूसरा गाना बनाऊँ. धमाल तो हम सुबह 6 बजे का हमारा कॉल टाइम था, तो सबसे धमाल चल रहा था. मैं क्रिसेन को मैं बोला मैं आऊँगा आपको लेने, एंड प्रोडक्शन ने बोला नहीं नहीं हम गाड़ी भेज देंगे. मैं बोला नहीं नहीं मैं ही जाऊँगा लेने उनको. फिर मैं सुबह 6 बजे, और इतनी ठंड और मतलब फॉग की हम क्या करें, कैसे शूट करेंगे. लेकिन सब बना सडन सब कुछ चेंज करके सब कुछ की ये करेंगे, क्योंकि सब कुछ पहले डायरेक्टर सब कुछ सिक्वेंस बना लेते हैं, हम ये सिक्वेंस ये तब करेंगे. लेकिन सब कुछ है ना सडनली सब चेंज करना पड़ा बिकॉज ऑफ वेदर. और मज़ा तो हमारे स्टाइलिश टिक टिक के साथ में बहुत आया, कि ही वॉज सो फनी. और हमारा म्यूज़िक वाला बंदा पीयूष रंजन, ही इज़ टू गुड डायरेक्टर है, साहिल भाई हैं कोरियोग्राफर, वॉज वेरी नाइस. टीम मेरी बहुत अच्छी है और मज़े करते हैं, ऐसा लगता ही नहीं है कि हम शूटिंग कर रहे हैं, हम मस्ती करने गए हैं ऐसा लगता है. नहीं नहीं, एक्चुअली नहीं नहीं नहीं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था. इम्पोर्टेंट मेरा सॉन्ग था, क्योंकि बर्थडे हर साल आता है तो मेरे को अच्छा नहीं लगता बर्थडे सेलिब्रेट करना. ठीक है, मुझे सिर्फ लोगों का प्यार चाहिए, मुझे विशेस आती हैं और मैं बस मुझे प्यार चाहिए, ब्लेसिंग्स चाहिए और कुछ नहीं. जैसे कि आप खुद भी लिखते हैं, तो आने वाले दिनों में क्या क्या लिखने वाले हैं? बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है और लिखवाया भी है. मैं दूसरों से भी लिखवाता हूँ, बहुत अच्छा लिखा है. और अभी मेरे एक भाई हैं, उन्होंने बहुत अच्छा गाना मेरे लिए लिखा है. तो उसकी ट्यून भी इतनी प्यारी है ना कि लोग कैची, मतलब मुझे कि लोगों के दिमाग में एक बार बैठ जाए वो. और आगे की क्या प्लान है, कोई नए नए स्टार्स तो अभी आप कर ले, आने वाले दिनों में भी आप करने ले, इसके अलावा कोई दूसरे सेलिब्रिटी है जो जिनके साथ आप काम करना चाहे? जन्नत है अभी अभी सोचा नहीं है किसी के बारे में, लेकिन अभी नेक्स्ट सॉन्ग में जो ज़्यादा फिट होंगे और जिससे मेरी केमिस्ट्री बनेगी. सबसे बड़ी बात होती है एटीट्यूड, मॉडल का एटीट्यूड. जैसे क्रिसेन का है, क्रिसेन ने हर जगह ओके 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 किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया, ये कॉस्ट्यूम पहनना है ओके ओके ओके. तो वो सब चीज़ें मैटर करती है. लेकिन इन दिनों काफ़ी इंडिपेंडेंट म्यूजिक का समय आ चुका
चुका है और हमने देखा है चाहे वो अवनीश हो, अनुष्का सेन हो या जन्नत हो, हर कोई सेलिब्रिटी मिस्टर फेसबुक हो या हर कोई थे, वो लोग आकर अपना नया नया सॉन्ग कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा है, आपने भी शुरुआत ही कर दी है, तो क्या कहना चाहिए आपको? नहीं, अच्छा लग रहा है सबको देख के, सब अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं और मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को, मैंने यही कहा कि मेरा किसी से कंपटीशन नहीं है, मैं अपने आप को प्रेजेंट करना चाहता हूँ। किसी को सोच के कोई गाना नहीं बनाया कि इससे अच्छा करूँगा, इससे अच्छा सिंगर हूँ, कोई नहीं, सब अच्छा है। और आगे की क्या प्लानिंग है आपकी? जैसे कि आप म्यूजिक तो आप कर रही है, इंडिपेंडेंट मीडिया फिल्म या वेब सीरीज? नहीं 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 नहीं, कोई सोचा भी नहीं है, मैंने किसी चीज़ के लिए नहीं सोचा, मैं अपने लिखूँगा, अपने गाऊँगा, बस सबसे बेस्ट। नहीं नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस अच्छा नहीं लगता कि, क्योंकि आजकल म्यूजिक वीडियोस का ही ज़माना है। आपके फैंस से क्या कहना चाहेंगे? बस कि गाने को, मिनरल वाटर को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए, कि आप ही मेरी स्ट्रेंथ हो, आप ही मुझे आगे बढ़ाएंगे और आपकी वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं तो सिर्फ एक मोहरा हूँ, मतलब एक छोटी सी शुरुआत की है, आगे आप बढ़ाएंगे इसको, आगे मुझे लेके जाएंगे। गाने को प्यार ऐसे देते रहिए जैसे आपने दिया है, कुछ सेकंड में 6 लाख व्यूज़ आप लोगों ने दिए और 100 मिलियन हो जाए, बस यही होप है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।